नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हो जिस कॉपी में आप लिखते हो वो आपको कहाँ से प्राप्त होती है, वह किस चीज से बनती है, और जो फल आप खाते हो वो आपको कहाँ से प्राप्त होता है, जो अनाज आप खाते हैं वो आपको कहाँ से मिलता है? जी हाँ बच्चों, ये सभी हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी का 14वां पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ाऊंगी। तो चलिए बच्चों, हम पाठ शुरू करते हैं सबसे अच्छा पेड़। बच्चों, इस पाठ में मैं आपको तीन भाइयों की कहानी बताऊंगी। सबसे अच्छा पेड़। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। बच्चों, कितने भाई थे? तीन भाई थे और तीनों भाई जो है नए घर की तलाश में, यानी कि खोज में, तीनों भाई नए घर की खोज में निकल पड़े थे। और कौन सा समय था? सुबह का समय था। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया और तीनों भाई जो है गरम गरम धूप में चलते चले गए और उन्हें क्या दिखाई दिया? एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे ठंडी छा थी। छा मतलब छाया। आम के पेड़ के नीचे ठंडी छा थी, क्योंकि आम का पेड़ कैसा होता है? बहुत ही घना होता है, तो उसकी ठंडी छा उनको दिखाई दी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे और तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। और क्या करने लगे? पेड़ के जो पके हुए आम है उसे तोड़कर उसका मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। और बड़े भाई ने क्या कहा कि मुझे यही जगह, यानी कि यही आम का पेड़ पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? और बड़े भाई ने क्या कहा कि आम का जो पेड़ है उससे बढ़कर कौन सा पेड़ हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे। उसने कहा, अगर आम कच्चे होंगे तो हम उनका अचार बना लेंगे। और जब वे पक जाएंगे, तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। और जब आम पक जाएगा तो हम उसे खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। और क्या कहा बड़े भाई ने? और कुछ आम को हम सुखा कर बाद में खाने के लिए रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। जो पहला भाई था उसने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी, झोपड़ी किसे कहते हैं? घास फूस से बना हुआ घर को झोपड़ी कहते हैं। तो बड़े भाई ने आम के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बना ली और वहीं पर रहने लग गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। लेकिन बाकी जो दो भाई थे वहां पर वे नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। और उसके जो दो भाई थे वे आगे चल निकले। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। जब दो भाई चल रहे थे तो उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा, यानी तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा, यानी पार हुआ, वहां से निकला। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। तब क्या हुआ? अचानक से बारिश बरसने लगा, टक टक।
और दोनों भाइयों ने क्या किया, केले का जो पत्ता था वो काट लिया और उसे अपने सर पर रख लिया, जिससे वे नहीं भीगे और कुछ देर बाद बारिश चला गया। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। तो दूसरे भाई ने क्या कहा, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा, दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भर पेट खाना खाया। क्या हुआ, दोनों भाइयों ने एक केले का पत्ता उसको चीरा यानी कि उसे काटा, फिर उसमें खाना परोसा और भर पेट यानी पेट भर कर खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया और उसके बाद क्या किया, एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा। पहले भाई ने कहा घर बनाया, आम के पेड़ के नीचे, और दूसरे भाई ने क्या कहा, मैं तो यहीं पर अपना घर बनाऊंगा, केले के पेड़ के आसपास अपना घर बनाऊंगा, ऐसा कहा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उसकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तो दूसरे भाई ने क्या कहा कि केला का पेड़ से अच्छा क्या हो सकता है, हम कच्चे केलों का क्या बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे और केला बेचेंगे, जिनसे पैसा मिलेगा तो हम उससे चावल खरीदेंगे, केला बेचकर चावल भी खरीद कर खाएंगे, ऐसा कहा। और केले के पत्ते भी काम आएंगे, केले का पत्ता खाना खाने में काम आएगा। इसलिए दूसरे भाई ने वही अपनी झोपड़ी बना ली, दूसरे भाई ने केले के पेड़ के पास में अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया, लेकिन तीसरा भाई वहां नहीं रुका, वह आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। चलते चलते तीसरे भाई को क्या मिला, एक नारियल का पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। पेड़ कैसा था, बड़ा ही लंबा था और पतला था। आपने देखा होगा ना, नारियल के पेड़ बहुत लंबे होते हैं और पतले होते हैं। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। अब उस तीसरे भाई को प्यास लग गई, उसे बहुत जोरों की प्यास लग गई। तब एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा, तभी एक नारियल जो है नारियल के पेड़ से टपक पड़ा यानी गिरा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, अपना चाकू जिससे वो नारियल काट सके, चाकू निकाला खर खर, और नारियल की जटाएं साफ हो गई। और उससे क्या किया, नारियल की जटाएं, बच्चों ये देखिए नारियल, इसका जो ऊपर का जो भाग है इसे कहेंगे नारियल की जटाएं। तो तीसरे भाई ने चाकू से नारियल की जटाओं को साफ कर लिया। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया। फिर क्या किया, नारियल का छिलके में छोटा सा एक छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया और नारियल का पानी को पी लिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव, और नारियल की जो पेड़ है उसकी छोटी सी छांव में वह बैठ गया। तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा। और जो तीसरा भाई था वह नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव में बैठ गया और कुछ सोचने लगा। चलिए देखते हैं क्या सोचने लगा। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है, उसने क्या सोचा कि आम का पेड़ तो बहुत ही बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। तो वह उस पेड़ के नीचे यानी वह नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था कि आम का पेड़ तो बहुत अच्छा होता है
और केला का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है, उससे केले खाने को मिलते हैं। पेड़ नीम का भी अच्छा है और फिर नीम के पेड़ के बारे में सोचता है, कहता है नीम का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। दातून बोलने से जिससे दांत साफ करते हैं, नीम का पेड़ है उसकी डंडियों से दातून बनाकर हम दांत भी साफ करते हैं। घर में कोई बीमार हो, अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो लोग नीम की टहनियां मतलब उसकी डाली दरवाजे पर लटका देते हैं। तब क्या करते हैं, नीम की जो टहनियां है डाली है वो दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ। तब उसने क्या सोचा कि अगर मेरे पास नीम का पेड़ होता तो मैं क्या करता, उसकी टहनियों को बेचता और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा, और पेड़ क्योंकि नीम का पेड़ भी बहुत घना होता है वह मुझे ठंडी छाँव भी यानी छाया भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, अब वह सोच रहा है रबड़ के पेड़ के बारे में, तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। तब वो क्या सोचता है, अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तब मैं अपना चाकू निकालता और उस पेड़ में एक चीरा मतलब एक काटने का एक निशान लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता और चीरा का जो तला है यानी इसके नीचे जो है एक प्याला रख देता। देखिए जैसे इस चित्र में देखिए बच्चों, ये एक रबड़ का पेड़ है, यहाँ पर एक चीरा लगा दिया गया यानी काट दिया गया है और यहाँ पे एक प्याला लगाकर रख दिया गया है, इसमें दूध जैसा निकल रहा है ना, इसे देखिए। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, इस तरह से पेड़ का जो दूधिया जो दूध निकलता वाला रस को वह एक प्याले में भर लेता, रस को पका कर मैं रबड़ बना लेता और उस रस को पकाने के बाद क्या बन जाता, रबर बन जाता। आप जानते हो ना कि रबर से क्या क्या बनता है, जैसे टायर बनता है आपका, मिटानी यानी इरेजर बन जाता है, रबर से खिलौने बनते, कई तरह की चीजें बनती है। रबर से लोग गुब्बारे टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। तो वह क्या सोचता है कि अगर मैं रबर को बेच देता बाजार में तो उस रबर से लोग गुब्बारे टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। इस तरह से वह पेड़ की छाँव के नीचे बैठकर सोचता है। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, फिर वह तीसरा भाई क्या सोचता है, क्या अच्छे पेड़ों की क्या कोई कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। अब वह नारियल के पेड़ के बारे में सोचने लगता है। नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ। तब वह क्या सोचता है, नारियल की जो जटाएं हैं उसे काट कर मैं मोटी डोरी बना सकता हूँ। डोरी जानती हो, इस तरह से रस्सी, मतलब नारियल की जटाओं को निकाल कर उससे वह रस्सी बना सकता है, ऐसा सोचता है। और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयां भी बना सकता हूँ और उस डोरी से मैं मजबूत चटाई बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ और जो उसकी जटाओं से रस्सियां और चटाइयां बनेगी उसे मैं बाजार में जाकर बेच सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और नारियल की जो गरी है उसे मैं खा भी सकता हूँ और कुछ गरी सुखा कर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। और क्या सोचता है कि कुछ गरी को जो नारियल का अंदर का जो नारियल रहता है उसे सुखा कर वो क्या बना सकता है, खोपरा। खोपरे को पेर कर यानी पीस कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। वह जो सुखा कर गोला बना लेगा उसे पीस कर वह नारियल का तेल भी निकाल सकता है। गोले का तेल साबुन
और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। फिर वह क्या सोचता है, जो गोले का तेल है वह साबुन और बहुत सारे तरह की चीजें बनाने के काम आएगा। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। और क्या सोचता है, नारियल जो मैं पी लूंगा और वह उसका जो छिलका बचेगा उससे मैं कटोरे और प्याले भी बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। तब वह क्या सोचता है तीसरा भाई, कि मेरे लिए तो यह जो नारियल का पेड़ है यही सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। और तीसरा भाई सोचता है कि मैं इस नारियल के पेड़ के नीचे ही अपना घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले यानी नारियल के नीचे, नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई। कुटिया यानी अपनी झोपड़ी जो है बनाई और मजे से रहने लगा, और वहां पर वह मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? बच्चों अभी आप बताइए कि आपके लिए सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है। हर एक बच्चे का अपना अलग अलग पेड़ हो सकता है। किसी को आम का पेड़ पसंद होगा, किसी को नीम का पेड़ पसंद होगा, किसी को नारियल का पेड़ पसंद होगा, किसी को काजू का पेड़। इस तरह से हर एक को अलग अलग तरह के पेड़ पसंद हो सकते हैं। आप अपने मन से सोचिए कि आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है। तो बच्चों इस पाठ में आपने देखा कि पेड़ हमारे कितने काम आते हैं। पेड़ से हमें फल मिलता है, ठंडी ठंडी हवाएं मिलती हैं, और क्या मिलता है, छांव मिलती है। पेड़ से हमें लकड़ी मिलता है जिससे हम क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, घर बनाते हैं। फिर पेड़ से हमें क्या मिलता है, रबर मिलता है जिससे क्या करते हैं, हम तरह तरह के खिलौने बनाते हैं, मिटानी यानी इरेजर बनाते हैं। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। जो हम कॉपी में लिखते हैं वो भी पेड़ों से ही बनता है। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, पेड़ को लगाना चाहिए, उन्हें अंधाधुंध यानी कि बेवजह पेड़ को नहीं काटना चाहिए। और सबसे अच्छी बात पता है आपको, पेड़ होंगे तो वर्षा होगी। तो प्यारे बच्चों यह जो कहानी थी, लेखक का नाम है जे भारतदास। तो बच्चों आशा करती हूँ मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताती हूँ। शब्द अर्थ, तलाश, तलाश यानी खोज। तीनों भाई किसकी खोज में निकले थे, घर की खोज में यानी तलाश में। झोपड़ी, झोपड़ी किसे कहेंगे, घास फूस का घर, जो घास फूस से बना हुआ घर रहेगा उसे हम झोपड़ी कहेंगे। जटाएं, जटाएं किसे कहेंगे, रूखे बाल, जो रूखे बाल है उसे जटाएं कहेंगे। जैसे नारियल का ऊपर वाला हिस्सा कैसा होता है, रूखा होता है ना, तो उसे कहेंगे जटाएं। दातुन, दातुन किसे कहेंगे, दांत साफ करने का मंजन, जो दांत साफ करने का मंजन होगा उसे कहेंगे दातुन। कुटिया, कुटिया किसे कहेंगे, घर को। डोरिया, डोरिया मतलब रस्सी, डोरिया मतलब रस्सी। टहनियों, टहनियों मतलब डाल में। सड़क, सड़क मतलब मार्ग। चलिए बच्चों शब्दार्थ को एक बार हम फिर से पढ़कर देखते हैं। तलाश, तलाश यानी खोज। झोपड़ी, घास फूस का घर। जटाएं, रूखे बाल। दातुन, दांत साफ करने का मंजन। कुटिया, घर। डोरियां, रस्सी। टहनियों, दाल। सड़क, मार। तो चलिए बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछूंगी, आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अभी मैं आपको कुछ प्रश्न बताऊंगी, उसका सही विकल्प आपको बताना है। जैसे
तीनों भाइयों ने सबसे पहले कौन सा पेड़ देखा? आपने कहानी तो सुना ही है, तीन भाई घर की तलाश में निकले थे, तो तीनों भाइयों ने सबसे पहले कौन सा पेड़ देखा था? नीम का पेड़, आम का पेड़, केले का पेड़? जी हाँ, आम का पेड़। तीनों भाइयों ने सबसे पहले आम का पेड़ देखा था। पहले भाई ने किस पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बनाई? जो पहला भाई था उसने किस पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बनाई? आम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, नारियल के पेड़ के नीचे? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे अपनी घर बनाई थी। तीसरे भाई ने किस पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई? जो तीसरा भाई था उसने अपनी कुटिया यानी अपनी घर किस पेड़ के नीचे बनाई थी? नारियल के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे? किसके नीचे बनाई थी? नारियल के पेड़ के नीचे। तीसरा भाई नारियल के पेड़ के नीचे अपना घर बनाया। कौन से पेड़ को बीमारी भगाने वाला पेड़ कहा जाता है? बच्चों, कौन सा ऐसा पेड़ है जिन्हें हम बीमारी भगाने वाला पेड़ कहते हैं? अमरूद के पेड़ को, नीम के पेड़ को, नारियल के पेड़ को? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ बच्चों, नीम के पेड़ को हम बीमारी भगाने वाला पेड़ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ सबसे अच्छा पेड़ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ मैंने आप लोगों को जो कुछ भी समझाया वह आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली कक्षा में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।